डिस्कस करोगे चीजों के बारे में, आप अपने पापा को मात्र 30 से 40% चीजें बता पाओगे। तो मेरे को चीज बताओ आप, ठीक है, कि 30 से 40% चीजें सुन के क्या आपके पापा हाँ कर देंगे? मैंने आपको 100% चीजें बताई, आपके दिमाग में 70% चीजें गई, 2 घंटे के बाद आपके दिमाग में मात्र 50% चीजें रही, और जब आप अपने पापा से बता रहे हो चीजों को तो मात्र 30 से 40% आप बता पाए। तो क्या कोई भी पेरेंट केवल 30 से 40% बाप को सुन के हाँ बोल देगा? नहीं बोलेगा, और उल्टा आपको डांटेंगे कि क्या फालतू की चीजों में पड़ रहा है। ठीक है, वही आप एक चीज सोचो कि अगर कल को अगर आप इस बिजनेस में कामयाब हो गए, महीने का अगर अच्छा खासा कमा रहे हो, फैमिली में पैसा देने लगे, तो आप प्राउड फील करेंगे। लेकिन अगर पहले पूछोगे ना, तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है भाई, सबको मना करेंगे, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है ना, उनको नहीं पता भाई कि इस फोन में कितनी ज्यादा पावर है, उनको नहीं पता इस फोन से महीने का भी कमाया जा सकता है। लेकिन आप न्यू जनरेशन के हो, आप मैच्योर हो, मैं न्यू जनरेशन को मैं मैच्योर हूं, हमें पता है पावर कितना है फोन में। गाइस इस ऑब्जेक्शन को इस तरीके से हैंडल कर सकते हो, सेम टू सेम मेरे वर्ड्स को रिपीट कर सकते हो। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर, यस और नो? फटाफट बताओ। यहाँ पे एक सोफिया ने मेरे से कमेंट किया है कि हाउसवाइफ की हाउसवाइफ बोलती है, अगर हम हाउसवाइफ को टारगेट करते तो बोलती है हस्बैंड मना करेंगे, हस्बैंड से पूछ के बताऊंगा। देखो आप जो पापा को हमने ऑब्जेक्शन हैंडल किया है ना, वो चीज हस्बैंड में भी कर सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से क्लियर कर सकते हो कि एक चीज बताइए डियर, कि अभी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? बोले कि मेरे हस्बैंड ये जॉब करते, ये करते हैं। फिर आपको बोलना कि आपके हस्बैंड की मंथली की सैलरी कितनी है? वो बोलेगी 10-15, जो भी है मिनिमम, नॉर्मल जो इंडियंस इंडियंस की जो सैलरी होती है वही 10-15-20, मैक्सिमम 20 होती है। ठीक है, तो आपको बोलना है एक चीज बताइए डियर, आज के इतनी महंगाई वाले जमाने में क्या आपका 15 से 20 हजार की सैलरी में गुजारा हो जा रहा है? क्या आप अपने शौक पूरे कर पा रही है? क्या आपके हस्बैंड शौक पूरे कर पा रहे? क्या आपके बच्चे जो है वो शौक पूरे कर पा रहे? बंदी बोलेगी नहीं, हमें ऑलरेडी पता है भाई चीज, अगर उसके पास इतना पैसा होता तो ये बिजनेस थोड़ी करने के लिए सोचती। हमें ऑलरेडी पता है, शी इज ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, उसके पास पैसे नहीं है तभी बिजनेस।